सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, वैसे तो मैंने सोचा था कि ये ब्लॉग जो है शुरू करूँगी दोपहर को, बट जो है मुझे टाइम नहीं मिला, या मतलब कह लो मैं बिजी थी, तो जो है इस वजह से मैं शुरू नहीं कर पाई। तो ये ब्लॉग जो है मैं शुरू कर रही हूँ शाम को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग के घर पर जो है सफाई चल रही है, क्योंकि अभी जो है सावन शुरू होने वाले हैं, कब से बुधवार से शुरू होने वाले हैं, तो हम लोग के घर में जो है सफाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है उसी में हम लोग बिजी हैं। अभी आज तो दो दिन से जो है कपड़े ही धुल रहे हैं, कपड़े हो गए, बिस्तर हो गए, हर एक सामान जो है जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं धुलने लायक वही सब धुल रही हैं, और जो है फिलहाल पर्दे वगैरह हो गए, कारपेट हो गए, सारी चीज़ें जो है अभी धुल रही हैं, तो अभी हम लोग उसी में बिजी चल रहे हैं। और मैं जो है अभी फिलहाल यहाँ बना रही हूँ खाना, और मम्मी भी जो है मेरी वो मंदिर में है, वो पूजा रूम की सफाई कर रही हैं। मैं दिखा देती हूँ आप सभी लोगों को, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो मेरे साथ रसोई में है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है हमारे घर में। ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, ये लगी हुई हैं मंदिर की पूजा व्यवस्था में, क्योंकि फिलहाल अभी सावन शुरू होने वाले हैं, तो मम्मी जो है बहुत ही पूजा पाठ करती हैं, तो अभी उसी की तैयारी हो रही है। आप खुद सोचिए कि है तो बुधवार को, तैयारी आज से शुरू हो रही है, बीच में पूर्णमासी भी पड़ेगी, उसमें मेरा और मम्मी जी का दोनों का व्रत रहेगा। तो यहाँ पे जो है सभी तैयारी कर रही है मम्मी पूजा वूजा की, सारी चीज़ें देखिए, जोत बत्ती, क्या कहते हैं, सिंदूर वगैरह, खमड़ी वगैरह, सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है, ताकि हम लोगों को बाद में दिक्कत ना हो ढूंढने में, इसलिए पहले से ही जो है व्यवस्था करके मम्मी रख देते हैं, तो आसानी रहती है। सावन के सोमवार में हम लोग जाते हैं ना, व्रत रखते हैं सावन के सोमवार का। और ये देखिए मम्मी जी ने मंदिर कितने अच्छे से जो है सुंदर से सजाया हुआ है, मम्मी बहुत जो है अच्छे से मतलब मैनेज करते हैं मंदिर को, बहुत ज़्यादा उनकी श्रद्धा है इन सब चीज़ों में। चलिए दिखाती हूँ, अभी हमारे घर में तो सफाई चल रही है, तो पूरा घर जो है बिखरा हुआ है अभी। अभी यहाँ तकिए के कवर लगाए हैं सारे, धुले हैं अभी, और धुल के जो है अभी हम लोग बिछाएंगे नहीं यहाँ पे बिस्तर, क्योंकि जो है अभी मतलब क्या आपका कोई नॉनवेज वगैरह खा के टच कर ले। और ये सारे हम लोग के पर्दे अभी धुले हैं, ये सारे बिस्तर जो है, चादरें वगैरह ये सब धुली है, सारा सोफ़ा कवर, टेबल कवर, सारी चीज़ें जो है अभी धुल के बस रखा हुआ है। अब इसको जो है हम लोग उसी दिन बिछाएंगे जिस दिन सावन शुरू होगा, सावन की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ मेरा खाना यहाँ बन रहा है, दाल रखी हुई है कुकर में, चावल बन रहा है मेरा, आटा गूंथ के रख दिया है, जब जैसे फ्री होंगी मैं रोटी फटाफट बना दूंगी। हमारा जो घर है अभी कितना बिखरा हुआ है कपड़ों से, हर एक चीज़ से, ये दरियाँ हैं, ये दरियाँ जो है अभी धुल के रखी हुई हैं सारी, ये देखिए ये सारे कपड़े जो है आज धुले हैं सारे के सारे, इतने मतलब एक कह सकते हैं एक ही जो तख्त है पूरा भर के आज धुले हैं, और अभी इस पे टंगे हुए हैं, इधर टंगे हुए हैं, उधर रस्सी पे टंगे हुए हैं और जो है एक पूरा भर के अभी कल धुले हैं सारे, तो कह सकते हो बहुत ज़्यादा काम है अभी फ़िलहाल। अभी हम लोग अभी जो है फ़िलहाल अभी सफाई का जो टाइम चल रहा है तो चल ही रहा है, फिर अभी जो है कल परसों जो है हम लोग को घर की सफाई करनी है, घर की सफाई करेंगे, देन उसके बाद तो फिर बुधवार से जो है सावन शुरू हो जाएगा, तो हम लोग सावन के पास रखते हैं, मैं, मम्मी और घर के एक दो सदस्य और हैं वो भी रखते हैं। तो आप सभी लोगों को जो है वीडियोज़ में देखने को ज़रूर मिलेगा, तो मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। और हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सभी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, बिकॉज अभी मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखिएगा। सो रहा है तो उसको देखती हूँ, सो रहा है तो सोने दो अभी फिलहाल से, तब तक जो है मैं खाना बना लेती हूँ, वो उठेगा तो फिर। और लाइट बंद कर रखी है हम लोगों ने अभी फिलहाल,
और मैंने पहनी है ये साड़ी। ये साड़ी कैसी लगी? अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना, तो पहन लेती हूँ जब मन करता है। वैसे तो मैंने साड़ी पहनी थी कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए वो वीडियो तो पेंडिंग हो गई। अब देखो कब रिकॉर्ड होती है, तो जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी। तो आप सभी लोगों को नए नए ब्लॉग्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्यार और सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखिएगा। तो मेरा बेटा यूवी जब तक सो रहा है तब तक मैं थोड़ी सी रोटियां बना लेती हूँ ताकि जब वो जगेगा तो मैं उसको देख सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ भी। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे जो है पता चल सके कि मेरी जो वीडियोज़ हैं आप सभी लोगों को कैसी लगती हैं, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और जो है मतलब कोशिश कर सकूं कि और बेहतर वीडियो बना सकूं। सो अपना प्यार और आशीर्वाद इस तरीके से बनाए रखिएगा। सो गाइस अभी तो आप सभी लोगों को मेरी जो रसोई है थोड़ी सी बिखरी बिखरी लगी होगी, क्योंकि इसलिए इसका कारण ये है क्योंकि हमारी रसोई में जो है चूहे बहुत हो गए हैं, और चूहों की वजह से जो है हम लोगों को इस टोकरी में डाल के हमें रखने पड़ते हैं उधर, नहीं तो जो है आपको तो पता ही है चूहे। बिल्कुल नहीं रख सकती यार, बालों को मैं पहले जूड़ा बनाऊंगी, देन उसके बाद जो है मैं फिर रोटियां बनाऊंगी। सो चावल बन गया है और दाल जो है मतलब बन गई है, वैसे बस देखती हूँ हो गई है कि नहीं। तड़का लगाना है उसमें, और जो है वो आरती लगा रही हैं, तड़का काट रही हैं। We'll be right back.